कानपुर देहात में लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 7 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के इलाके में पुलिस टीम द्वारा मार्केट में दुकानें बंद कराने के लिए दुकानदारों से कहा जा रहा था। इसी बीच लोग आग बबूला हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 दरोगा और 2 महिला पुलिसकर्मी सहित 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें रसूलाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए लाया गया। वहीं हमला कराने में टॉप 10 अपराधी का भी नाम सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। सर, एक मामला आया है आपके सीसी रसूलाबाद में, पुलिस टीम के ऊपर हमला हुआ, सर कितने लोग उसमें घायल हैं? हाँ, पुलिस टीम पर हमला हुआ है और करीब 7 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 7 लोगों मेरे पास मेडिकल कराने के लिए आए, जिसमें कांस्टेबल विनोद कुमार, सुखबीर सिंह, SI उमेश शर्मा, महिला कांस्टेबल गया यादव, महिला कांस्टेबल दिव्या, संजीव कुमार और कांस्टेबल अवनीश कुमार, इनको साधारण चोटें भी आई हैं और इनका प्राथमिक उपचार किया गया है और इनका मेडिकल सर किस रेफर किया गया नहीं।